हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्कूली छात्र छात्राओं सहित आमजन को यातायात के नियमों की जानकारी देने और व्यवहारिक रूप से नियमों की पालना करने की जन जागरूकता पैदा करने के लिहाजे से शनिवार को पुलिस थाना चौटन थानाधिकारी डॉक्टर मनोहर बिश्नोई की अध्यक्षता में स्थानीय बालिका आदर्श विद्या मंदिर में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें थानाधिकारी डॉक्टर मनोहर बिश्नोई ने यातायात के नियमों की बारीकी से जानकारी दी। थानाधिकारी डॉक्टर मनोहर बिश्नोई ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अगर सामान्य नियमों की पालना करे तो दुर्घटना की कमी की जा सकती है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट बाइक चलाना, नियंत्रित गति से तेज गाड़ी चलाना, गलत साइड में ड्राइव करने से जहां दुर्घटना का खतरा बना रहता है, वहीं पैदल राहगीरों और बच्चों को बाई तरफ चलने, सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखने सहित छोटी बारीकियों की जानकारी दी। उन्होंने लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, सीट बेल्ट, बीमा नियमों की जानकारी देते हुए यातायात को सुरक्षित बनाने के टिप्स बताए। साथ ही उन्होंने बालिकाओं को आह्वान किया कि वे अपने परिजनों और पड़ोसियों को भी इन यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें और कहीं भी नियमों की अवहेलना होते देखने पर उन्हें टोके और रोके तथा पुलिस को सूचना कर यातायात नियमों की मजबूती के लिए सहयोगी बने। उन्होंने कहा कि आम नागरिक यातायात के नियमों की पालना करने से ही सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक और पालना के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनने की जरूरत है। इस मौके पर आरएसएस के सह जिला संचालक ऋषभ दास बोथरा और प्रधानाचार्य कमलेश शर्मा सहित पुलिस और विद्यालय स्टाफ के सदस्य व सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। गली के नुकर पे गए, कोई सामने नहीं आया, कुछ ही अपन खुद ही गिर गए और दीवार की चोट लग गई। पुलिस को बताएंगे ना, आओ अपनी मम्मी को बता दे, किसी को बदमाशी कराया तो उसको अपनी मम्मी को बता दे कि मम्मी ये बदमाशी कराए, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार की अपराध अपने साथ में होता है तो उसको छुपाना नहीं कि अपन उसको छुपा रहे हैं। अपनी मम्मी को बता दे, पापा को बता दे, कोई बदमाशी कर रहा है, किसी को बता रहा है, गली के अंदर शराबी की बोला हमें बता रहा है, उस बात को मम्मी को बताएं, पापा को बताएं, पुलिस तक जाने के बाद। मैं अपना जो है आज का जो टारगेट है, यहाँ मैं आया हूँ आपको सिखाना है ट्रैफिक नियम, यातायात के बारे में। आपकी किताबों में कहीं है, सही हो जाएगा, लेकिन डेथ जैसी जो है मौत नहीं होगी। हेलमेट पहना हुआ है अपना सबसे बड़ा बचाव, ठीक है। अब दुपहिया वाहनों के अंदर जैसा हेलमेट है, जितना हेलमेट से बचाव होता है वैसे वैसे फोर व्हीलर जो कार है या कुछ जो व्हीकल है उनके अंदर सीट बेल्ट, जिससे दुपहिया वाहन में हेलमेट है वैसे ही कारों में सीट बेल्ट का काम है। जो दुपहिया वाहनों में हेलमेट काम करता है वो। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।